सो गाइस अभी हम हैं महावीर मंदिर में। सो बेस्ट पार्ट इस मंदिर का ये है कि आप जैसे एंटर करते हो वहाँ से गेट से, तो आपके पास यहाँ पे बेंच लगे हुए, ये क्लॉक रूम है अपना। आप सामान जमा करा सकते हो, शू वगैरह जमा करा सकते हो, और जमा कराने पड़ेंगे शू आपको, क्योंकि पूरा जैन मंदिर है तो नंगे पैर जाना है आपको। मेरे जस्ट पीछे पानी, ठंडा पानी है पीने के लिए, ये ठंडा पानी है, बंदोबस्त किया हुआ ठंडे पानी का। दूसरा, अगर आपको हाथ धोना है, कुल्ला करना है, मुंह धोना है, तो ये है आपके पास ऑप्शन। और वो रही महावीर जी की मूर्ति, अब वो देख पा रहे होंगे महावीर जी की मूर्ति। एंड अभी हम जाएंगे ऊपर और आपको महावीर जैन मंदिर का दर्शन कराएंगे। कपड़े से टच नहीं हुई है ये, एज दिस ये गेट है छोटा सा प्यारा सा। मैं वहीं आ रहा हूँ। इस गेट के बाद से आपको शू रिमूव करने पड़ेंगे और आप ऊपर जा सकते हैं। तो गुड थिंग इज यहाँ पे पार्क है, तो आप पार्क में आओ, घूमो, मतलब घूमने लायक नहीं है, इस फैमिली आ रही है, आप मॉर्निंग वॉक में आ सकते हैं, लोकल रेजिडेंट यहाँ के आते हैं। मेन अट्रैक्शन है मंदिर, और मंदिर की खास बात क्या है जो अभी मैंने पढ़ी, यहाँ पर स्टैचू है महावीर जी का। तो नॉर्मल उनके टीचर्स हैं कि आपको लोगों को हार्म नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है वगैरह, और बहुत सारी चीज़ें हैं। सो गेट है, सुनते हुए आ रहे हैं यहाँ से, ऊपर जाओ। और गार्डन जो मेंटेन किया है अथॉरिटी ने, बहुत ही ज़्यादा प्यारा किया हुआ है। सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से ऊपर जा सकते हो, अगर अभी घुटनों में दर्द है तो आप इंक्लाइंड है ये, तो आप यहाँ से भी ऊपर चढ़ सकते हो। और जो ये फ्लावर्स हैं, माशाल्लाह, मतलब खुशबू यार, ये कैमरे में ना खुशबू नहीं आती, फ्लावर्स की बहुत 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 प्यारी खुशबू आ रही है। और बिलीव मी, मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है। और पता नहीं क्यों मुझे हर जगह कचरा दिख रहा है, तो होप कि आने वाले टाइम में यहाँ पे ज़्यादा गंदगी ना हो। और खुशबू तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छी है यहाँ की। तो ये अभी हम जा रहे हैं, सीढ़ी का रास्ता वो था और ये इंक्लाइंड रास्ता है। एम्बियंस बहुत अच्छा है, मंदिर है तो बहुत प्यारा मंदिर भी है। ये गॉन्ग है और ये इसके जस्ट नीचे पूरा स्ट्रक्चर है, और बाबा जी भी हैं यहाँ पे। अथॉरिटीज़ ऐसा मैंने कहा बहुत बेटर काम करती हैं, तो दोनों रास्ते बनाए हुए इन लोगों ने, इंक्लाइंड भी और सीढ़ी वाला रास्ता भी, आप किसी भी वे से आ सकते हो। और एज ए सेट, ये मेहरौली आर्कोलॉजिकल पार्क का एक पार्ट है, तो देर इज कुतुब मीनार, और यहाँ पे एक छोटी सी मस्जिद है, और इसके जस्ट पीछे एक मेहरौली आर्कोलॉजिकल पार्क है, और दूसरा राजीव गांधी वन भी है। अपना गार्डन इनका बहुत सुंदर है, और ये सारा पत्थर पे बना हुआ है, तो व्यू काफ़ी अच्छा है। और जस्ट सामने एक चीज़ और है, और ये अबेंडेंट है, मगर इसको कोई टेक केयर नहीं करता। सो दिस इज स्टैचू ऑफ महावीर, बच्चे पढ़ रहे हैं। ये महावीर जी की मूर्ति है। अच्छा, खास बात इस मूर्ति की ये है कि ये 30 टन की मूर्ति है, 30 टन की मूर्ति है, और कुछ 11 फीट ऊंची है। तो अभी देखते हैं, शायद एक ही पत्थर से तो नहीं बनी होगी, बाकी नोबडी नोज क्या हिसाब किताब है इसका। जो भी तीर्थंकर महाशंकर जी की मूर्ति है महावीर जी की, और एज ए सेट बहुत स्पिरिचुअल प्लेस है, तो ज़्यादा हल्ला शोर नहीं करने का, क्योंकि लोग भी मुझे देख रहे हैं यहाँ पे। इट सीम्स कि एक ही पत्थर से बनाया हुआ है, बट जैसे कि मैं आपको बताऊँ, इसका ये कोना कटा हुआ है, तो एक पत्थर की मूर्ति तो नहीं है ये, कट्स हैं बहुत सारे जोड़ी हुई है। गाइस यहाँ पे एक बार आना तो बनता है, शांत प्लेस है, स्पिरिचुअल प्लेस है, और महावीर मंदिर दिल्ली में शायद यही एक है, मतलब और भी हैं, बट इसका एम्बियंस व्यू लुक बहुत अलग है।
बाकी आप 360 देख सकते हो एक बार, इसके चारों तरफ का व्यू है और ये बहुत ज़्यादा शांत और खूबसूरत है। सो वापसी का समय है और अगेन जैसे आप नीचे उतरोगे ये पेड़ पौधे चारों तरफ के जो हैं सबकी खुशबू आपको मिलेगी। ये बेल है, इसको आप बजा भी सकते हो, तो मैं नहीं बजाने वाला इसको भी फिलहाल क्योंकि अपना थोड़ा सा जमता नहीं है। ऊपर जो यहाँ पे आती है वो सबसे पहले जो अट्रैक्ट करने वाली है वो यहाँ की ब्यूटिफिकेशन है, यहाँ की खूबसूरती है। सो आई वुड रिक्वेस्ट जो भी वीडियो देख रहा है और जब भी देख रहा हो भाई आप एज सून एज पॉसिबल यहाँ पहुँचो, क्योंकि दिल्ली में ये उन चीज़ों में से एक है जो फिलहाल बर्बाद नहीं हुई है और बहुत जल्दी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि हमें सिर्फ बर्बादी करनी आती है उसके बाद चीज़ों को बचाने के लिए जाते हैं हम। तो अभी फिलहाल ये बची हुई है, बर्बाद नहीं हुई है, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। तो ऑल ओवर रेटिंग बोली जाए इस पार्क की तो बहुत बेहतरीन पार्क है। सुबह 7 बजे से शाम को 8 बजे तक खुला रहता है और पार्क भी इनके पास अपना है, पीने की फैसिलिटी है, वॉशरूम है, सब कुछ है। तो इट्स मस्ट विजिट प्लेस हेयर इन दिल्ली, कभी भी आ सकते हो यार। मतलब इस जगह आने के लिए ना आपको ऐसा मूड नहीं होना चाहिए, अगर मन में खराबी आ रही हो ना कि यार मन नहीं कर रहा है, अब यू आर फीलिंग लो, तो आई थिंक ये प्लेस है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ स्पिरिचुअल स्प्रिट नहीं है, यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा है, खूबसूरती बहुत ज़्यादा है। तो आप खूबसूरती के लिए यहाँ आ सकते हो, व्यू काफ़ी अच्छा आता है। तो एक बार आप यहाँ आओगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका मन करेगा कि यार यहाँ पे आपको आना चाहिए दोबारा दोबारा, अपने बच्चों के साथ आओ, आप अपनी फैमिली के साथ आओ। कपल्स यहाँ आके कुछ नहीं कर सकते, तो आप ऐसे ही आ सकते हो अगर बॉन्ड अच्छा करना है तो, मतलब इफ़ यू नो तुम्हें पता हुआ कैसे करना है। बाकी फ्रेंड्स के साथ आ सकते हो, फोटोज़ ज़्यादा नहीं खींचनी, मना करते हैं ये लोग तो, बट ठीक है, इतना स्ट्रिक्ट प्रशासन नहीं है, इनका अथॉरिटी नहीं है, बट आप आ सकते हो। सो ऑन दिस नोट जैन, ये है महावीर मंदिर, महावीर मंदिर तो मस्ट विजिट है, और मैरोली आर्कल जो पार्क के पास ही है। तो आप कुतुब मीनार आ रहे हो, मैरोली आर्कल जो पार्क आ रहे हो, तो यहाँ भी आप आ सकते हो, ज़्यादा दूर नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है।